गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं शाहबाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल सिंकोर एजुकेशन पे। तो फटाफट एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ, बता दो वीडियो क्वालिटी के लिए। देखिए जैसा आपको पता है कि हमारा एक ही चैप्टर बच रहा है हमारे SST का, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री। बाकी सब आपको चैप्टर करवा दिए गए, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपके सिविक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, सब कुछ आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आपके ज्योग्राफी का एक चैप्टर और बच रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो एक बार मैं सभी को बोलूंगा कि सभी अपने दोस्तों को बुला लो, बता दो भाई कि हमारी क्लास, ये सेशन स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सिर्फ 2 मार्क्स का, इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो मैं एक बार सभी को बुलाना चाहूंगा कि सभी आ जाए फटाफट, तेज आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, गौरव आ जाओ, हमारे तेजस को बुला लो, राहुल को बुला लो। देखो क्लास स्टार्ट होने से पहले ना 300 लाइक का टारगेट करके दिखा दो यार, क्लास स्टार्ट होने से पहले 300 लाइक करके अपनी पावर दिखा दो, किसमें कितना है दम आज देख लेंगे हम। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर फैकल्टी, हमारे लोकेश सर को, वो आपके बीच आएंगे और 2 शब्द आप लोगों के लिए बोलेंगे, मतलब इस चैप्टर के बारे में क्या क्या करेंगे। तो उससे पहले लोकेश सर के एक लिख दो सभी लोग कि क्या लोकेश सर से शायरी सुनना चाहोगे आप, क्या मोटिवेट होना चाहोगे अंदर से, आपको लास्ट टाइम है एग्जाम का, लास्ट दिन है, क्या मोटिवेशन चाहिए, हाउ द जोश गाइस। तो फटाफट एक बार लिख दो यस सर यस सर यस सर यस सर फटाफट। अगर आपको अपना जोश और आपको बढ़ाना है और आप लोग चाहते हो कि लोकेश सर आपको और मोटिवेट करे, आपके अंदर और जोश दे, तो फटाफट लिख दो यस सर लोकेश सर से शायरी, यस सर मोटिवेट करो यस सर फटाफट भाई। लवर मैंग बोल रहे हैं यस सर फटाफट भाई फटाफट यस सर यस सर यस सर यस सर, मतलब बच्चे बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर। अरे इतना अच्छा मोटिवेशन आपको देंगे लोकेश सर, 1 2 3 सिंकोरी जी की जे जे कार, सिंकोरी है अपने साथ, क्या बात शानदार भाई। सर बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा, यस सर यस सर। तो एक बार लोके सर आ जाओ और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दो सर अपने 2 शब्दों से। मुश्किलें इंसान के इरादे आज बाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है, गिरकर संभलना सीख ऐ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। बहुत ठोकरे खा लिए आपने, अब आ जाओ सिंकोरी क्लासेस के अंदर, क्योंकि सिंकोरी क्लासेस आपके फ्यूचर को बनाने वाला है और दुनिया के अंदर झंडा गाड़ने वाला है। प्लीज कम टू सिंकोरी क्लासेस। क्या बात है, मतलब सर बोल रहे हैं कि सिंकोरी क्लासेस पे आ जाओ, अब टाइम नहीं है भाई, सिंकोरी क्लासेस पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो फटाफट एग्जाम को फोड़ना है, एग्जाम को अच्छे से देना है और एग्जाम को क्या करके आना है भाई, कल फोड़ के आना है। और शाम को मैराथन भाई बिल्कुल मत मिस करना, सभी को बोल दो 6 बजे मैराथन है फिर हमारी, आज 3-4-5 घंटे की मैराथन होगी और सुबह वाला सेशन उसमें तो पेपर लीक कर देंगे तगड़े तरीके से, फुल एंड फुल एनर्जी के साथ। मैं रेडबुल पी के आऊंगा सुबह, बिल्कुल सुबह रेडबुल पीऊंगा, एनर्जी लेके आऊंगा भाई, क्योंकि सर एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो गई तो रेड बुल तो पीनी पड़ेगी सर 2-4 सर। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे लोकेश सर को और यासर अली जी को कि दोनों आए और फटाफट अपना सेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है सर। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपको क्या है एसएससी में पूरे नंबर चाहिए, 40 में 40 चाहिए, 38 नहीं चाहिए। तो ये 2 नंबर का जो चैप्टर है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी हम नहीं छोड़ने वाले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करने वाले हम, बोथ लैंग्वेज में करने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने वाले। और महा मैराथन, जैसा कि शाहबाज सर ने बताया, महा मैराथन नहीं छोड़ेंगे, महा मैराथन में सारे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे चैप्टर के करने वाले, फुल आउट ऑफ फुल करने वाले। तो फटाफट हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करते हैं लोकेश सर के साथ। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है आखिरकार, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक आप चिप्स खा रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास तो आई नहीं ना, वो एक प्रोसेस से होते हुए आती है। तो जैसे कोई आलू उगा, फिर उसकी छटाई हुई, कटाई हुई, फिर वो आपके पास चिप्स बन गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यही काम होता है, रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास पहुंचाती है। तो ये इसकी रियल डेफिनेशन है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये मीनिंग होता है। जैसे कि ये बहुत इजी सा डायग्राम है, डायग्राम की तरह आप बना सकते हो मार्क्स लेने के लिए, बहुत इजी सा डायग्राम है। रॉ मटेरियल आया, फिर 4-5 स्टेप से प्रोसेस हुआ, फिर मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट आया, आलू आया, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर चिप्स बनी, तो फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता। यही काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। पहला टॉपिक आएगा पूरे चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का महत्व, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी आपको लोकेश सर बताएंगे। ओवर टू यू लोकेश सर।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप इसके अंदर जिन जिन टॉपिक्स पे आज स्टडी करने वाले हैं वो है, पहला है, फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का महत्व, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमिक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक स्थान, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण, सेक्शुअल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक वेतन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेशन, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेशन, पर्यावरण क्षरण का नियंत्रण। यस, इसके बाद में ये पूरे टॉपिक आने वाले हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, और उनसे क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या पोल्यूशन होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। कौन से सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के में डेवलपमेंट के लिए। जैसे अपने वो सीधा खड़ा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी होती है ना, वैसे ही ये डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर डेवलपमेंट सीधा, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो जो डेवलपमेंट है वो सीधा खड़ा रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या 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 आने वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक कंट्री के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए यानी विनिर्माण उद्योग के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि मैं तो हिंदी में पढ़ाऊंगा सर, आपको इंग्लिश के अंदर इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑफ एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। तो बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खुलेगी तो वहाँ काम करने के लिए लेबर होना चाहिए, लेबर होता है तो उनको जॉब मिलती है। तो इंडस्ट्रीज से क्या है, जॉब्स मिलती है, साथ ही साथ गरीबी भी कम होती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट का यही मीनिंग है, बहुत छोटा सा मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अभी ये पॉइंट देखा है कि लोगों को रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर भारी निर्भरता को कम करता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, विनिर्माण उद्योग है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है, अधिकतर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, यहाँ पे अधिकतर लोग जो रोजगार प्राप्त करते हैं वो एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं। तो एग्रीकल्चर पे लगभग अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कृषि पर जो डिपेंडेंसी है इसको कम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके इजीली समझ में आ गया होगा, सेकेंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें अगर जो लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो उससे गरीबी भी कम होगी, अगर उनके पास पैसा आएगा तो वो खुद भी डेवलप होंगे। तो इंडस्ट्रीज का जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट देने में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यस, औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबों के लिए उन्मूलन के लिए पूर्व शर्त है, क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो सीधी सी बात है उनकी आय होगी तो उनकी गरीबी कम होगी। देखिए आय क्या होती है कि आय लोगों के लिए सुविधा बढ़ाती है, और सुविधा बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि उनको सुविधा बढ़ती है तो उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, उन्नत स्तर होगा, और उनका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली भी सुधर जाएगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर वर सेटअप इन इंडिया टू ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और संयुक्त क्षेत्र में उद्यम की स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश, अगर राज्य के अंदर ही देखे जाए तो कई क्षेत्र तो ऐसे कि जो अपने आप डेवलप्ड हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन सेक्टर मान लिया देखा जाए, वहाँ पे लोगों के पास रोजगार है या वहाँ पर संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, जिनके कारण से लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है? तो ऐसी असमानताओं को दूर करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। यस, नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स टू अ कंट्री। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो वो जो है एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देता है। अगर कोई भी चीज़ है, नॉर्मल चिप्स बिक रही है तो वो नॉर्मल उसी प्राइस में बिकेगी, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, अगर उसको बनाया अच्छे तरीके से जाएगा तो उसकी वैल्यू अच्छी मिलेगी बाहर, कंट्री के बाहर भी और कंट्री के अंदर भी। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है उद्योग
विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करता है, मींस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है कि कैसे करता है कि कृषि और जैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं? सीधी सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो कहाँ से चाहिए? कृषि से। और कृषि के लिए जो भी जो यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर है, हल है, ये पाइप है, ये कहाँ से बनेंगे? ये इंडस्ट्रीज में बनेंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो आपस में दोनों का सहयोग करती हैं। यस, जैसे कि इसमें इंडस्ट्री सर ने अभी बताया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को कुछ बनाना है तो वो कैसे आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को देगी। और अगर खेती के लिए ईज करनी है, पहले बैल यूज करते थे और है ना हल यूज करते थे, तो इन चीज़ों को मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर में किसने किया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। हल की जगह ट्रक आ गए, पाइप आ गए, तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये दोनों बराबर इसलिए चलते हैं क्योंकि दोनों की हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर देते हैं, तो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ ईच अदर, दे मूव इन हैंड इन हैंड, जैसा कि मैंने अभी बताया। और क्या पॉइंट है? इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। जैसे कि अभी सर ने और मैंने एग्जांपल बताया था, क्या क्या होता है? देखो बहुत इजी सा डायग्राम है, आपको इतने पॉइंट याद करने से बढ़िया आप इजी सा डायग्राम याद कर लोगे ना, आंसर आप लिख के आ जाओगे। बहुत इजी, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिला इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज ने इरिगेशन पंप फर्टिलाइजर जो भी खेती में यूज होता है वो प्रोवाइड कराया एग्रीकल्चर को। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, ज्यादा लंबा याद करने के लिए नहीं है। फटाफट से नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है? आर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन करना हो हमें इंडस्ट्रीज का, तो मोर कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए बाकी इंडस्ट्रीज से। अगर कोई कंपनी लो लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है तो उसके पास मशीनरी अपनी अपग्रेड करेगी तो हायर लेवल पर कम्पीट कर पाएगी अदर इंडस्ट्रीज से, भले वो इंडियन हो या बाहर की कंट्रीज हो। बाहर की कंट्रीज से कम्पीट कर पाएगी तो और बड़े लेवल पर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी उस लेवल का, उस क्वालिटी का और उस क्वान्टिटी का। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल्फ सफिशियंसी अलोन इज नॉट इनफ। अकेले निर्भरता मतलब सिर्फ अपने ऊपर चलेगी ना तो नहीं चल पाएगी। जैसे कि अजय सर ने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट जी इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही थी, फिर अमेजन आ गया, उसको ग्लोबलाइजेशन करने के क्या हुआ, वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया। तो अकेले नहीं होना, जब वो जुड़ गई ना तो और लेवल पे हो गई। जहां 100 करोड़ का बिजनेस कर रही थी वहां 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो अकेले चलेंगे तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर किसी को साथ में ले लेंगे बड़ी कंपनी को, वेंचर को, तो जल्दी बड़े ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दीज इन इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वालिटी जो होती है ना इंटरनेशनल मार्केट के बराबर की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मशीनरी अच्छी होगी, लेबर अच्छा होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आप जानते हैं। देखिए पिछले 2 दशकों में हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27% रहा, 27%। लेकिन विनिर्माण उद्योग इस 27% में से केवल 17% के लिए योगदान करते हैं, बाकी 10% में उत्खनन, बिजली, गैस और खनन शामिल है। यह कुछ पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कम है, जहां यह 25 से 35% है। तो अभी देखा जाए तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो योगदान अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है, जिससे हमारे देश की इनकम हो रही है, वो केवल 27% है। और 27% में से भी केवल 27 में से केवल 17% योगदान कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? बिजली, गैस और खनन। यह कुछ पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कम है, जहाँ यानी एशिया जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनकी तुलना में यह अभी तक बहुत कम है, क्योंकि पूर्वी एशियाई देशों के अंदर ये परसेंट है 25 से 35%। यस, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। देखो जैसे कि बताया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान है इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि अगर जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना, उतना ही ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी उसकी हाई जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनालिसिस। द डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज 12%, हाउएवर द ओवर द लास्ट डेकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। पहले पिछले साल में क्या होती थी, 12% थी, लेकिन अब पीछे अब क्या हुआ है, 7% पर एनम बढ़ रही है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग
ऑफ द रेट ऑफ 9 to 10%। 2009 से क्या हुआ, 3 से हमारी क्या इंडस्ट्रीज क्या बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, मतलब 9 से 10% ग्रोथ आ गई है हमारी इंडस्ट्रीज में। ओके तो अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियल लोकेशन फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई इंडस्ट्री है, मैं अगर कोई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ खोलूंगा, मुझे क्या ऐसी ज़रूरतें हैं कि जो ज़रूरी है कि मैं ऐसी जगह क्यों मेरी इंडस्ट्री खोलूँ, उसके लिए क्या क्या पॉइंट मेजर पॉइंट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल हो वो मुझे इजीली मिल जाए, किसी और सिटी से या किसी और गांव से मंगाना ना पड़े तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग जाएगा। लेबर, मतलब मेरे पास है ना जो लेबर मेरा काम करे, वर्कर जो काम करे वो दूर से ना आए, अगर दूर से आएगा तो या तो उसे वो आ नहीं पाएगा, या सेकंड चीज़ मुझे उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा तो वो भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, कैपिटल, पूंजी, पैसा, बिना पैसे तो कोई काम नहीं होता यार, अगर उसमें मैं पैसा लगाऊंगा अच्छा इन्वेस्ट करूंगा जब एक अच्छी जगह पे मैं इंडस्ट्री ले पाऊंगा बना पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है पावर, पावर होनी चाहिए मेरे पास कि अगर मैं है ना जो इंडस्ट्रीज है बहुत स्ट्रांग हो मेरी, जिससे वो लंबे टाइम तक चल जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 1-2 साल के लिए इंडस्ट्री लगेगी, बहुत सालों तक वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट, मार्केट के पास में होनी चाहिए, मार्केट के पास में होगी तो क्या होगा, मेरे पास लेबर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो बाकी फैसिलिटीज़ है ना वो इजी हो पाएगी और मैं मेरा प्रोडक्ट मार्केट में इजीली पहुंचा पाऊंगा, ना कि अगर मेरी एक सिटी में इंडस्ट्री और एक सिटी में मार्केट है तो मेरे को उसको पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग जाएगा और कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाएगी, तो अर्निंग उतनी नहीं हो पाएगी उसके अकॉर्डिंग। लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के लॉज है उसके अंडर में हो, कोई भी अगेंस्ट द पॉलिसीज ना हो, नहीं तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट बंद कर देगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। देखो सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रियल लोकेशन नहीं मिलने का क्या है, इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दी फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। क्या होता है ये सारी चीज़ें है ना, सारी चीज़ें अब 100% तो हर चीज़ होती नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें इंडस्ट्रीज भी ईजिली सेटअप हो जाए और हमारी अर्निंग भी हो जाए। वेयर All the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. या तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ओके पैसा तो हमें चाहिए चाहिए 100%, या तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाएगी, या अब हम क्या सेकेंड ऑप्शन है कि ये सब चीज़ें हम लो कॉस्ट में अवेलेबल करा पाए। फॉर एग्जाम्पल कच्चा मैं माल ले रहा हूँ कम कॉस्ट में, लेबर है वो मेरी सस्ती हो कम पैसे में काम करे, तो ऐसा लोअर कॉस्ट में मैं काम कर पाऊँ जिससे मैं अगर कहीं और भी इंडस्ट्री खोलूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहे। थर्ड पॉइंट है सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लोकेशन इज बेस्ट। सबसे बड़ी बात ये भी होती है अप्रोप्रिएट एक सही लोकेशन होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ मैं मेरा अगर वेस्ट भी फेंकना चाहूँ तो इजीली फेंक सकूँ और मेरा लेबर भी जो है ना इजीली आ पाए और मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो पाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रीज भी बनना और जो हमारी सिटीज है वो कैसे ग्रो करेगी, ओवर टू यू लोकेशन। देखिए इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, कहने का मतलब ये है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं कि जहाँ जहाँ पर औद्योगिकरण होगा, जहाँ जहाँ पर फैक्ट्रीज लगेगी वहाँ पर क्या होगा, लोग रोजगार के लिए आएंगे और वहाँ पर बसेंगे तो शहर बढ़ने लग जाएगा, शहर बसेगा तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी बढ़ने लग जाएगी, जैसे बैंकिंग, बीमा, स्कूल्स, पिकनिक पार्क आदि। वहाँ पे एक औद्योगिक गतिविधि शुरू होने के बाद शहरीकरण इस प्रकार बढ़ता है, कैसे, एक जैसे मैंने बताया कि जैसे ही शहरीकरण कैसे हो रहा है कि फैक्ट्रीज लगेंगी तो लोग रोजगार के लिए आएंगे, रोजगार के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो आसपास के क्षेत्र में बसने लग जाएंगे और शहर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा वहाँ पर सुविधाएँ भी बढ़ने लग जाएगी, वहाँ पर स्कूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, हर शहर बाजार प्रदान करते हैं और बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम सलाहकार और वित्तीय सलाह आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, इसलिए जहां जहां पर औद्योगिकरण होता है शहरीकरण भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल सर, जहां देखो बहुत सिंपल में मैं समझा देता हूँ, क्या जहाँ जहाँ बहुत सी जगह क्या होता है कि जहाँ इंडस्ट्री जाती है ना वहाँ अर्बनाइजेशन होता है, और जहाँ इंडस्ट्री जाती है ना वहाँ शहर, जो भी गांव या शहर होता है वो डेवलप करने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है जो डेवलप सिटीज होती है ना उनकी वजह से भी इंडस्ट्रीज आती है जिससे इंडस्ट्री डेवलप हो पाई। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री और मार्केट का लिंक क्या है, कैसे लिंक होता है कि ना एक इंडस्ट्री जो है मार्केट तक कैसे पहुंचती है और पैसा कैसे अर्न करती है। देखो बहुत इजी सा प्रोसेस है, बहुत इजी सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से आया, कोई भी रॉ मटेरियल है हमारा एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रीकल्चर से जो भी आया, फॉर एग्जाम्पल आलू की चिप्स बनानी, आलू आया, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके
कहां जाएगा? फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि वहीं तो उसके प्रोसेस होगा सारा, वहीं तो उसका निर्माण होगा, वहां वो बनेगा, फिर आउटपुट जो है फाइनल प्रोडक्ट चिप्स बन के पैकेट में तैयार होके लेबल लग के वो जाएगा ट्रांसपोर्ट होके मार्केट की तरफ। फाइनल प्रोडक्ट यहां से आ गया मार्केट की तरफ, क्या प्रोसेस हुआ? ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री, फिर आउटपुट प्रोडक्ट, फिर आउटपुट प्रोडक्ट फैक्ट्री से कहां गया? मार्केट की तरफ। अब ये जो सारा पैसा है, सारा पैसा किसको मिलता है? एग्रीकल्चर तक जाता है। ओके, तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। ये जो है मार्केट लिंकेज है, इंडस्ट्री और मार्केट का लिंक कैसे, एक दूसरे से जुड़ाव कैसे। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया ले लो, और चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सबसे मेन टॉपिक है यार इस चैप्टर का, सबसे मेन टॉपिक ये इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें से बहुत डीप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग बेसिस पे होता है, ओनरशिप पे होता है, साइज पे होता है, रोल पे होता है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किस पे, रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल यूज्ड जो होता है उस पे होता है। रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं? एग्रो बेस्ड होते हैं। एग्रो बेस्ड कौन से होते हैं? जो एग्रीकल्चर से आते हैं, इसलिए इसका नाम है एग्रो बेस्ड। एग्रीकल्चर से कौन कौन सी चीज़ आती है? एग्जांपल के लिए कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी और एडेबल ऑयल, खाने का ऑयल। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल पे, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड कौन से? जो हमें मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, आयरन हुआ, स्टील हुआ, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जिसे क्रूड ऑयल निकलता है, फिर पेट्रोल वगैरह और बाकी ऑयल बनते हैं उससे। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? क्लासिफिकेशन अब आता है मेन रोल पे। मेन रोल है बेसिक और की। बेसिक और की का देखो बहुत इजी सी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बेसिक और की का क्या होता है? बेसिक क्या होती है? जो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल टाइप ही कुछ प्रोवाइड कराती है, बेसिक जो चीज़ें होती है ना, बेसिक जैसे फॉर एग्जांपल कार बनानी, किससे बनेगी? स्टील से, मेटल से, वो कौन प्रोवाइड करेगी? बेसिक और की इंडस्ट्री। जैसे कि क्या क्या प्रोवाइड कराती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, आयरन, ये बाकी इंडस्ट्रीज को सामान प्रोवाइड कराती है, बाकी वो अपना प्रोडक्ट बना सके। कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर मतलब बहुत ईजी, कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कराती है सामान, जो डायरेक्ट हम तक आता हो सामान। फॉर एग्जांपल क्या क्या है उसमें? शुगर हुआ, टूथपेस्ट हुआ, पेपर हुआ, स्विंग मशीन हुई, फैंस और ये चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, जो डायरेक्ट हम परचेज करते हैं। ओके, ये दो इंडस्ट्रीज होती है मेन रोल में। मेन रोल का क्वेश्चन आ सकता है कि मेन रोल में कौन कौन सी दो इंडस्ट्रीज होती है? बेसिक और की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक भी लिख सकते हो आप, की इंडस्ट्री भी लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्क्रीनशॉट लेना, किसी को स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे के ऊपर। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है? छोटी इंडस्ट्रीज होती है। आप देखोगे हमारे सिटीज में बहुत सारी छोटी पापड़ की, मसाले की, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। ये किस बेस पे मानी जाती है? किस एक स्मॉल स्केल होती है जो 1 CR से कम का पैसा लगाती हो। जो 1 CR से कम का पैसा लगाती हो वो स्मॉल स्केल होती है, और जो 1 CR से ज़्यादा का पैसा लगाती हो, 1 CR प्लस पैसा लगाती हो ना, 1 crore से ज़्यादा पैसा लगाती हो, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। इतना ही फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप नाम से समझ जाओगे स्मॉल स्केल छोटे स्केल की, लार्ज स्केल बड़े स्केल की, जो जिसका इन्वेस्टमेंट 1 crore से भी ऊपर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे होता है। कुछ कंपनी होती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है? पब्लिक की। पब्लिक की कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। जैसे कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कौन सी है? भेल हुई, सेल हुई, ONGC हुई, ये कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने बनाई हो वो पब्लिक सेक्टर होती है। और सेकंड क्वेश्चन होती है प्राइवेट, जो प्राइवेट ओन्ड होती है, जैसे टाटा, रिलायंस और ये जो कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनीज की होती है, वो सरकार की नहीं होती। उनकी टोटल 100% ओनरशिप प्राइवेट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? और जो बाकी जो है जॉइंट सेक्टर होती है। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो इंडस्ट्रीज जो या तो कोई 2-3 लोग मिलके बना रहे हैं या 2-3 स्टेट मिलके, जैसे राजस्थान और गुजरात के बीच में है ना चलती 2-3 इंडस्ट्रीज, वो जो है जॉइंट है। मतलब सिंगल नहीं, जॉइंट का बहुत, जॉइंट मतलब जुड़ना, जुड़ के जो चलाते हैं ना वो इंडस्ट्रीज होती है जॉइंट इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये बहुत आप नाम से समझ जाओगे यार, बहुत ईजी है ये। पब्लिक सेक्टर पब्लिक की, जो सरकार ने, प्राइवेट कंपनीज की, जॉइंट सेक्टर जो जुड़ के बना रही है।
ओके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एक होती है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कौन सी? इंडस्ट्रीज एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब उन्हीं के लोग मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं। जैसे जो हम रॉ मटेरियल चला रहे हैं, जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो खुद ही आपस में मिलके वो इंडस्ट्री चलाते हैं, वो होते हैं कोऑपरेटिव। मतलब खुद से कोऑपरेट कर लेते हैं सारे मिलके और खुद ही चलाते हैं, खुद ही उसका रेवेन्यू देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। कुछ इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंड करती है? जो सामान वो प्रोड्यूस कर रही है उसके वेट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती है। तो उसमें कौन कौन से हैं? दो हैं, दो मेनली हैं। हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, जैसे कि है ना लोहा बनाती है कोई, आयरन स्टील बनाती है ना, तो भारी सामान है वो, वेट में ज़्यादा हैवी है, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज हो गई, सॉरी हैवी इंडस्ट्रीज हो गई। और जो लाइट इंडस्ट्रीज जो हल्का सामान बनाती है, बहुत छोटा छोटा सामान बनाती है, फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब स्विच, ये बहुत हल्के हल्के सामान होते हैं, तो ये वेट के अकॉर्डिंग है। वेट के अकॉर्डिंग इसका अभी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। ओके अब आ गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी है। मैंने आपको बताया एग्रो बेस्ड में आती है टेक्सटाइल और शुगर, ठीक है। इसका मेनली आगे टेक्सटाइल में आती है दो, जूट और कॉटन। कॉटन मतलब कॉटन और जूट हम पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले हैं हम एग्रो बेस्ड में। एग्रो बेस्ड में कौन सी इंडस्ट्री? टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। टेक्सटाइल में कितनी है? दो, कॉटन की और जूट की। चलो क्या है यूनिक पोजिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल पोजिशन? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड, बहुत इजी सा डायग्राम ये है। जैसे कि कोई भी फाइबर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, कोई भी फाइबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी फाइबर बन के आया, कोई भी फाइबर है, कोई भी रॉ प्रोडक्ट है, वो आएगा ये है कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, फिर वो जाएगा स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग में उसका धागा बनेगा, धागा बनने के बाद उसका बनेगा ऊन का गोला, ओके। स्पिनिंग के बाद डाइंग एंड फिनिशिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग मतलब उसमें कलर किया जाएगा, कलर जो होता है हमारे कपड़ों में होता है और उसमें पॉकेट वगैरह जो भी डिजाइनिंग वहाँ होती है वो डाइंग एंड फिनिशिंग में होती है, फिनिशिंग उसको देने के लिए, और गारमेंट फाइनल गारमेंट बन के पैक होके आ जाता है। ये ऐसे बनता है, पहले रॉ मटेरियल, अब जो ऊन का जो पौधा होता है ना वो रॉ मटेरियल आता है, फिर उससे धागा बनता है, धागे से बनता है वो गोला, इस पर वीविंग होती है उसकी, फिर उसको कलर किया जाता है, डिज़ाइन दिया जाता है, जो भी डिज़ाइन वो देते हैं, और ये किया जाता है। तो आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन इंडस्ट्रीज पहले क्या होता था और 18 सेंचुरी की बात करता। पहले क्या होता था? पहले इंडिया में इतनी मशीनरीज वगैरह नहीं थी, मशीनरीज वगैरह नहीं थी, तो लोग हाथ से ही वो तोड़ के लाना और फिर उसकी वीविंग करना और उसकी स्पिनिंग करना। तो पहले क्या होता था? हाथ से ही कढ़ाई बुनाई सब जो भी है ना सब हाथ से होती थी। आफ्टर 18 सेंचुरी पावर लूम्स आ गए, पावर लूम्स आ गए तो जो है काम बहुत ईजी हो गया और थोड़ा स्पीड में हो गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो क्या हो गया? द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, ये तो कोई क्वेश्चन आ सकता है, कल भी पूछा गया था कहना कॉटन मिल कहाँ थी, कॉटन मेंटेन पूछा गया था कॉटन मिल कहाँ थी, मुंबई में। कब बनी थी? 1854 में, 1854 में पहली टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई के अंदर, ओके। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सफर्ड एज ए सेटबैक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में जो है सेटबैक मतलब बहुत पीछे चली गई थी कॉलोनियल पीरियड में। आर हैंडलूम क्लॉथ कुड नॉट कम्पीट विद देयर मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। उस टाइम में क्या होता ना, हमारी जो मिल थी जो कंपीट जो हम इंटरनेशनल मार्केट में इतना कंपीट नहीं कर पा रही थी। सबसे बड़ा रीज़न क्या था? हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजीज नहीं थी उस टाइम, हमारे पास वैसा प्रोडक्ट नहीं आता था, इतना अच्छा प्रोडक्ट अभी इंडिया में डेवलप नहीं होता जो बाहर की कंट्रीज में होता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके। कारण क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या कारण है उसके कारण देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जो भी जो पौधा है वो कच्चा माल है वो इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अब वो कश्मीर में खोल ले और उनको यहाँ से ले जाने में इतना पैसा लग जाए कि वो बनने में इतना प्रॉफिट ना दे पाए, तो कच्चा माल जो इजीली मिल जाता है। जैसे कि हमने उसमें देखा था इंडस्ट्रियल आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए, आइडियल लोकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि वहाँ कच्चा माल इजीली मिल जाता है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट ऑफ फैसिलिटीज, सुलभ बंदरगाह सुविधाएं सहित परिवहन। फॉर एग्जांपल अब वहाँ क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह पोर्ट, पोर्ट जो होते हैं वहाँ से वो सामान इंटरनेशनल भी भेज सकते हैं बाय वाटर, तो उनके लिए वो इजी हो गया। मार्केट है, मार्केट इजी और
ये सब आइडियल लोकेशन के एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, मार्केट हो गया, लेबर हो गया, ये सब आइडियल लोकेशन की वजह से ही वहां सेटअप है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कॉटन क्लोजली लिंक विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। बहुत इजी सी बात है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिना एग्रीकल्चर के नहीं चलती, फार्मर्स इनके बिना नहीं चल सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है रुई वो खेती से आता है। तो जो क्लोज लिंक है ना वो फार्मर और एग्रीकल्चर से है, कृषि और किसानों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। और क्या है, सपोर्टेड अदर इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क, अन्य उद्योगों, रासायनिक और रजन पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग कार्यों को समर्थन देता है। बाकी जो इंडस्ट्रीज है ना उनको भी बहुत सपोर्ट करता है। क्यों, कैसे सपोर्ट करता है, बाकी इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है जो भी गारमेंट से रिलेटेड है उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी वैसा प्रोडक्ट बनाती है तो उनको गारमेंट से रिलेटेड सपोर्ट मिलता है। बाकी इंडस्ट्रीज को, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को मिल गया, डाइज केमिकल इंडस्ट्रीज को मिल गया, क्यों, क्योंकि वो कलर करते हैं फिर उसको पैकेट करते हैं, तो सब अलग अलग जगह बनते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा हो गया, गारमेंट डिलीवर होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या क्या ऐसे जो फैक्टर्स है जो चैलेंज फेस करना पड़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इंडिया में, क्या क्या मुश्किलें परेशानियां उसका ही आइए हम देखते हैं। चलो चैलेंज, सूती स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट बट वीक वीनिंग सेक्टर, मतलब मजबूत कताई इकाइयां लेकिन कमजोर वीनिंग सेक्टर। मतलब जो धागा बनता है ना वो तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, लेकिन जब उसका ऊन का गोना बनता है वैसा हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री तो मशीनरीज है नहीं, तो इस वजह से हम बैक कर गए। स्पिनिंग सेक्टर वॉज मेनली सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पिनिंग सेक्टर जो मोस्टली थे ना वो महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, तमिलनाडु में थे, और वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन। कताई क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रीयकृत किया गया था। बुनाई पारंपरिक कौशल और डिजाइनों को शामिल करने के लिए, गुंजाइश प्रदान करने के लिए अत्यधिक विकेंद्रित थी। मतलब जो स्पिनिंग के लिए थी ना वो इंडस्ट्रीज हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में थे, लेकिन वीविंग के लिए जो है ना हमारे पास इतना अच्छा इंडस्ट्रीज नहीं था, तो कहीं और उसका सेंटर होता था या कहीं और से कराना पड़ता था, तो इसलिए हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। इंडिया इज वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग प्रोडक्शन बट वीविंग सेक्टर प्रोड्यूसेस लो फैब्रिक क्वालिटी दैट कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी। इंडिया की क्या है ना सबसे बहुत स्ट्रांग है यार ये स्पिनिंग जो प्रोडक्शन है ना इंडिया का बहुत स्ट्रांग है, बट स्पिनिंग के आगे का प्रोसेस भी जरूरी है, तो स्पिनिंग के आगे प्रोसेस में जैसे ही जाते हैं ना वीविंग इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम बैक कर गए इसमें, और वैसा जो प्रोडक्ट है ना हम डिलीवर नहीं कर पाते जैसा मार्केट में क्वालिटी चल रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपैक्ट और उसका एनालिसिस, प्रभाव क्या था, वी एक्सपोर्ट यार्न बट इम्पोर्ट फैब्रिक। हम यार निर्यात करते हैं लेकिन कपड़े का आयात करते हैं, मतलब हम जो यार्न है ना वो तो बाहर भेजते हैं, ठीक है, और जो गारमेंट है ना फैब्रिक जो है ना वो मंगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी वीविंग इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम यार्न भेजते हैं। ओके, हम 1/4% यार्न ट्रेड, 4% गारमेंट, ये परसेंट में यार कि हम इतना ट्रेड करते हैं और 4% गारमेंट में ट्रेड करते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव आर वीविंग सेक्टर रेदर देन एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया ना कि हम बाहर भेजते हैं यार्न और हमारा वीविंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उसको मंगाते हैं फैब्रिक को, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अदर चैलेंजेस और क्या क्या है, नियमित बिजली की आपूर्ति, अब मशीन चलेगी तो बिजली तो चाहिए। लो प्रोडक्शन ऑफ लेबर, हमारे पास वैसा जो है लेबर नहीं था काम करने के लिए, लोग नहीं थे वैसा जैसा हमें उस इंडस्ट्रीज में 100% चाहिए। मशीनरी नीड टू बी अपग्रेडेड, बिल्कुल मशीनरी जो है हर इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़रूरी होती है आज के टाइम में। मशीन जितनी अपग्रेडेड होगी ना उतने ही अच्छा और स्पीडली काम कर पाएगी, उतना ही अच्छा हमें प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगी। स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, हाँ सिंथेटिक जो इंडस्ट्रीज है ना उसके साथ बहुत कड़ा कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि पहली बात वो सस्ता और ज़्यादा टिकाऊ है कॉटन टेक्सटाइल से, इसलिए तो उससे ज़्यादा कंपटीशन है, और उससे कंपटीशन होगा कोई चीज़ ज़्यादा सस्ती और टिकाऊ तो कस्टमर वो खरीदेगा, कॉटन टेक्सटाइल क्यों खरीदेगा, उससे ही इसलिए कॉम्पिटिशन चलता है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल आप जानते हो कि जूट जो बोरी होती है ना, बोरी जूट क्या होता है, बोरी होती है ना, बोरी बनती है और ये ऐसे बैग्स वगैरह भी बनते हैं, आपने देखे होता है जूट से बनते हैं। जूट क्या होता है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, तो देखते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में क्या योगदान है और क्या कैसे काम कर रहा है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। पता है क्यों, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ का, रॉ जूट जो है इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन
सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या करता है, अपना बनाया हुआ जूट जो है बनाता तो दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन वो इंडिया में ही रोटेट होता रहता है, इंडिया में ही सेल होता है, बाहर नहीं सेल होता। लेकिन बांग्लादेश क्या करता है, अपना बाहर सेल करता है तो इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए बांग्लादेश है सेकंड पे है इंडिया। ओके, आफ्टर पार्टीशन ऑफ 1947 द जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। ये सबसे बड़ा मेजर जो है हिट हुआ इंडिया को 1947 जब इंडिया का पार्टीशन हुआ ना, तो बहुत सी जो मिल्स है ना इंडिया में रह गई, बट 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जहाँ जूट प्रोड्यूस होता था वो बांग्लादेश में रह गया, तो वो बांग्लादेश प्रोड्यूस करता और एक्सपोर्ट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश्ड नियर कोलकाता इन 1855। ये देखो, ये मैप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें मैप भी दिया हुआ है। 1855 में रिश्ता में बनाया गया था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की तरह ये रहा। ओके, रिश्ता में 1855 में बनाया गया था पहला जूट मिल जो है। ये आपके मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है, फटाफट से नोट कर लेना। आपको लोकेश सर मैप के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, साथ ही साथ जितने भी मैप है वो आपको क्लियर करा दी जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन जूट मिल आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर। अब ये भी बहुत इजी सी बात है, अगर कोई बहुत सी हमारी इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश में चलेगी तो मतलब थी सारी ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में जो है वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल जो हुगली रिवर है उसके पास हमारी ज्यादातर जूट मिल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जूट इंडस्ट्री का। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार कारक, एकदम लोकल जो है हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके क्या कारण है? प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जूट उत्पादक क्षेत्र की निकटता। हाँ, क्योंकि जूट हमारे प्रोड्यूस जहाँ होता है वो आसपास ही है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोडवेज, जो इंडिया का रेलवे और रोडवेज नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, जिससे वो लोकलाइज हुआ है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सस्ता जल परिवहन, हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सस्ता है। अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए पानी की बहुत आयत है, मतलब हमारे पास काफ़ी सारा पानी है कच्चा जूट जो है प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में से चीप श्रमिक, मतलब जो वेस्ट बंगाल उसके आसपास के एरिया है, बिहार और जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ क्या है, जो लेबर है ना वो बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, तो इसलिए जूट प्रोड्यूसिंग ज़्यादा हो पाती है। कोलकाता अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी, जैसे कि कोलकाता में आप जानते हो वेस्ट बंगाल साइड जो है पोर्ट है, पोर्ट से वो इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, बैंकिंग बीमा, और वो सिटी है तो उनको बाकी जो फैसिलिटीज़ है जो मिल पाती है, जैसे कि मैंने कहा था कोई भी इंडस्ट्रीज मार्केट के पास होती है बहुत बेनिफिट होता है, तो वो ये कोलकाता में मार्केट है तो उनको बैंकिंग बीमा और बंदरगाह की सुविधा मिल पाती है। चलो नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज को, क्या क्या मुश्किलें परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जो कि हमने कॉटन इंडस्ट्रीज में भी देखी, अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी देखेंगे। स्टिफ कॉम्पिटिशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट सच एज नायलॉन जो है इसका मेजर कंपटीशन है। क्यों? सेम बात जो कॉटन टेक्सटाइल की थी, सस्ता था और ज़्यादा टिकाऊ था तो इसलिए ज़्यादा चलता था। कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलिप, ये बाकी कंट्रीज से भी हमारा कंपटीशन है, कौन कौन सी? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। इन कंट्रीज से भी कंपटीशन क्यों था? क्योंकि ये भी बहुत हाई लेवल में जूट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए हमारा कंपटीशन ज़्यादा था। और सबसे बड़ा था हाई कॉस्ट, पैसा मैटर करता है, क्योंकि कंज्यूमर कौन सी चीज़ खरीदता है जो सस्ती और ज़्यादा टिकाऊ, तो वो नायलॉन कंपटीशन दे रहा था। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेशनल जूट पॉलिसी, ये मेजर जो है क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल जूट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली 2005 के अंदर, क्या थी वो नेशनल पॉलिसी? नेशनल जूट पॉलिसी, इट हैड इंक्रीज इंटरनल डिमांड फॉर जूट। जो पॉलिसी थी ना उससे इंटरनल डिमांड बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसे निकाली थी कि जो इंटरनल गवर्नमेंट जो है, यहाँ के लोकल जो है इंडियंस, वो जूट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी टू यूज़ जूट फॉर पैकेजिंग। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोल दिया, देखो सुनो भैया, जूट हम बहुत ज़्यादा बना रहे और ये है ना पैकेजिंग में यही यूज़ होगा, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होगा, तो ये जूट पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज, देखो बहुत सीधा सा ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा यूज़ हम कर पाएँ, और ज़्यादा ये क्या होता है, इको फ्रेंडली है सबसे ज़्यादा जूट, इसलिए इन्होंने कर पाया और फार्मर जो है ना खेती कर रहे हैं जो, उनको अच्छा प्राइस दे पाए। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, जूट टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स, ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया ग्लोबल कंसर्न हो गया, क्योंकि जूट जो है इको फ्रेंडली है तो सब यूज करने लगे, और पॉलिसी से क्या हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ।
चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आने वाला शुगर इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड श्रीखंड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो है शुगर का। शुगर कैसे होता है, रॉ मटेरियल आया, फिर बल्कि जो वन सेकेंड तो क्या है इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। शुगर का, शुगर से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल बल्कि होता है तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, धुलाई में इसकी सुक्रोज सामग्री कम हो जाती है, जो शुगर होता है ना उसमें सुक्रोज होता है, तो उसकी सुक्रोज जैसे धुलता है ना उसकी सुक्रोज की जो मात्रा है ना, जो क्वांटिटी है ना वो कम हो जाती है। इंडस्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर बाय शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया, 60% मिल्स आर यूपी एंड बिहार, जो जहाँ ज़्यादा शुगर बनता है ना, सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी स्टेट में बनता है, महाराष्ट्र साइड। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र साइड में होता है, बट जो है ना इंडस्ट्री होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ होनी चाहिए, महाराष्ट्र साइड होती है, बट ये इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति में मौसमी, सीजनल इन नेचर, ये मतलब बहुत सीजनल इन नेचर ऐसे है कि ये सीजनली चल सकता है, ये हाँ पूरे 4-5 साल या ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, ये ऐसा आइडियल आइडियली सिचुएटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, आदर्श रूप में सहकारी उद्योग के लिए उपयुक्त है, बाकी जो इंडस्ट्रीज जो शुगर पे डिपेंड करती है ना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिसेंट ईयर शुगर मिल शिफ्टेड टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा शुगर केन कौन प्रोड्यूस करता है, महाराष्ट्र, शुगर केन से शुगर बनता है, तो अब मोस्टली जो इन सालों में मिल है ना चीनी की या शुगर मिल वो कहाँ मूव कर दी गई है, महाराष्ट्र में, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें केन प्रोड्यूस होता है और हायर सुक्रोज कंटेंट होता है, द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर है लॉन्गर क्रशिंग सीजन, मतलब ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट होता है ना तो क्रशिंग सीजन ज़्यादा लंबा चलता है, तो उतना ही अच्छा शुगर मिल पाता है, उतनी अच्छी फिर बेनिफिट हमें प्रॉफिट हो पाता। ऑलरेडी एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव सेक्टर भी काफ़ी इसमें एस्टेब्लिश है। सीजनल इन नेचर आईडी से चलो, खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था जो सिर्फ मिनरल्स बनाती है, मिनरल्स कौन कौन से आयरन स्टील ये बनाती है, कौन कौन सी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, जो आयरन ओर है ना फॉर मैम आपको, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्क और अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब वो एक तरह का कह सकते हैं कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो कच्चा, फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील बनाए, अब वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचते, वो बेचते हैं बाकी अदर इंडस्ट्रीज को जिनको जरूरत है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बेचते हैं जो कार बनाते हैं स्कूटर बनाते हैं उनको बेचते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर बहुत रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, के लिए बहुत अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि जहाँ भी अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में ज़्यादा आयरन मिलता है तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, बाकायदा बाहर से लोग थोड़ी लाए जाएंगे, वहीं के लोगों को जॉब दी जाएगी, तो इससे अर्बनाइजेशन भी आता है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री एंड हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्री इसका बेस्ट एग्जांपल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आयरन और स्टील किसी कंपनी को चाहिए तो वो लेगी और अपनी कार या जो भी चीज़ बनाएगी वो किससे लेगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, आयरन एंड स्टील जो है मीडियम इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, क्योंकि वही तो उनको लोहा देगी, जब तो गाड़ी बनेगी, जब तो कोई चीज़ बनेगी लोहे की या स्टील की एल्यूमिनियम की। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट, जो स्टील इंडस्ट्रीज है ना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या बनाने के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट, टेलीफोनिक इक्विपमेंट, मेडिकल का सामान, डिफेंस इक्विपमेंट मतलब गन्स वगैरह, शील्ड वगैरह, ओके ये बनाने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल घर जो बनता है उसमें हमारे जो भी गाड़ियाँ यूज़ होती है, जो भी उसमें सरिया यूज़ होता है वो यहाँ से मिलता है, और इंजीनियरिंग गुड्स और इंजीनियरिंग में जो चीज़ें सामान काम आते हैं उसमें। चलो अब आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्यों कहते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इसलिए कहते हैं कि पहले बनता है बॉक्साइट से बनता है वो एल्यूमिनियम से बनता है एल्यूमिनियम, तो इसको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इसलिए कहता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री इन इंडिया, इट इज लाइट हल्का, बहुत जरूरी है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो स्टील और आयरन से हल्का है, सस्ता है, ज़्यादा चलता है, तो वही पॉइंट है। इट इज़ लाइट रेजिस्टेंट
टू कोरिजन, जंग लगने का चांस बहुत कम है, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल, मतलब उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, और किसी मेटल या और किसी के साथ मिलाया जाता है तो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है एल्यूमिनियम से। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील एंड कॉपर जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। चलो नेक्स्ट टॉपिक की और चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो केमिकल प्रोड्यूस करती है, बहुत इजी सा है, बहुत नाम पे पता चल रहा है केमिकल इंडस्ट्रीज है तो बहुत इजी है ये। केमिकल इंडस्ट्रीज जो केमिकल प्रोड्यूस करती है और बाकी इंडस्ट्रीज को केमिकल प्रोवाइड कराती है बाकी प्रोडक्ट बनाने की। चलो क्या है और इसमें, द केमिकल इंडस्ट्री कंप्रेसाइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। बताए इसमें भी दो होती है, एक ऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस करती है, इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस करती है, तो ये दोनों ही बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ कर रही है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है, बिना केमिकल बहुत से जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाते, केमिकल की जरूरत पड़ती ही है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, देखो इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जांपल कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीस, सोडा एश और कॉस्टिक सोडा। ऑर्गेनिक केमिकल कौन कौन से हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रो विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर जो बनता है ना, पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाइयाँ वगैरह जो भी बनती है ना वो ऑर्गेनिक से बनती है, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, एल्कलीज, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। तो मैंने बताया दो होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ओके, जैसे कि इनऑर्गेनिक जो होता है एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, ऑर्गेनिक जो होता है एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या होती है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अबाउट द अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है जो प्रोडक्शन करती है फर्टिलाइजर का, मेनली यूरिया, यूरिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसमें आते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आते हैं, और कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश का। ये कॉम्बिनेशन ये भी आ सकता है क्वेश्चन के, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, फॉस्फेट, पोटैश और नाइट्रोजन का, और ये सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है, बहुत इजी सी बात है, जो हमारे घर बनते हैं जो भी चीज़ें हैं ना कंस्ट्रक्शन में यूज होती है उसके लिए सीमेंट जरूरी थी, वो इंडस्ट्री जो सीमेंट बनाती है, सीमेंट बनाती है, बहुत सी सीमेंट इंडस्ट्री डायरेक्ट कुछ इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड कराती है और कुछ मार्केट में भी सेल करती है। तो जो इसकी डेफिनेशन क्या है, सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। कल मेंटी में भी हमने क्वेश्चन पूछा था, तो सीमेंट में क्या क्या जो मटेरियल जरूरी होता है, इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरी होता है, बल्की और हैवी रॉ मटेरियल। कौन सा हैवी रॉ मटेरियल काम आता है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, इन तीनों की बहुत जरूरी होती है, ये हैवी रॉ मटेरियल है जो सीमेंट इंडस्ट्री में जरूरी होता है, और जैसे कि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के काम में ज्यादा आती है सीमेंट इंडस्ट्री, ये होती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियाँ बनाती है, स्कूटर बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, ऑटोमोबाइल से बहुत ईजी मतलब है, ऑटोमोटिक मोबाइल मतलब बहुत इजी सा मतलब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वो होती है जो कार्स बनाती है, स्कूटर बनाती है, और जो हम व्हीकल यूज करते हैं ना मोस्टली वो बनाती है, भले वो ट्रक हो, स्कूटर हो, कोई भी हो। तो क्या डेफिनेशन रहेगी, दिस इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मतलब जो भी व्हीकल हम यूज करते हैं ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बनती है। अच्छा, अब मेन इसका जो जरूरी टॉपिक है वो ये है कि कहाँ मेनली सिचुएटेड है, कहाँ है ये इंडस्ट्री। तो ये मेनली इंडस्ट्रीज हैं, दीज इंडस्ट्री आर लोकेटेड अराउंड दिल्ली में है, गुड़गांव, गुरुग्राम में है, गुड़गांव है जिसका नाम अभी गुरुग्राम हो गया, मुंबई में है, पुणे में है,
चेन्नई में है, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर, ऐसे भी आ सकता है, एनी टू भी पूछ सकता है और सारे भी पूछ सकता है, सारे तो नहीं पूछेगा, मतलब मेजरली ये पूछेगा कौन कौन सी सिटीज में सिचुएटेड है। तो आप दो चार एग्जांपल दे सकते हो, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा सिचुएटेड है जहाँ ऑटोमोबाइल्स बनते हैं। इन आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, मतलब आईटी इंडस्ट्री मोस्टली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप जो टेक्निकल चीज़ें ना वो ज़्यादा बनाती है, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन, जो भी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, कंप्यूटर्स वगैरह, सीपीयू वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी यूज़ हो रहे हैं ना आज की डेट में, वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज बनाती है, तो ये सब ये प्रोड्यूस करती है। दिस इंडस्ट्री इज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेंगलुरु इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं जीके में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, बेंगलोर है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, क्या अगला टॉपिक आने वाला है इसमें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हमने सारा पढ़ लिया कि इंडस्ट्री से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे कैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो रही है, क्या क्या हमें फायदे मिल रहे हैं, कैसे कॉटन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल हमारे कंट्रीज में बढ़ रहे हैं बहुत नेक्स्ट लेवल, जूट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी कंट्रीज को, हमारी पॉपुलेशन को, तो क्या क्या नुकसान हो रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है सबसे बड़ा, कौन कौन से टाइप के पॉल्यूशन है, चार है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन जो एयर में पॉल्यूशन होता है, जो भी है ना इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है जो पानी के अंदर बहा दिया जाता है, बिना उस वेस्ट कहीं और करना और डंप कहीं और करना होता है पानी में कर देते हैं, इससे वाटर में भी पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन जो है जमीन खराब हो रही है पूरी, जो भी जमीन यूज होती है वो खराब होती है। और नॉइज पॉल्यूशन जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना ज्यादा आसपास, अगर किसी भी गांव के आसपास फैक्ट्री होगी तो वहां बहुत ज्यादा साउंड होता है, नॉइज पॉल्यूशन इनकी वजह से क्रिएट होता है। चलो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन क्या करता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और क्या क्या नुकसान है। देखो बहुत इजी सा ही आप मन से भी लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड टू एयर पोल्यूशन। इट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग, मतलब जो भी गैसें निकलती है ना हार्मफुल, जो ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए हार्मफुल गैसेज है ना, वो गैस हवा में होके जो है इन सबको इफेक्ट करती है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को अफेक्ट करती है। कौन कौन सी गैसेज है ये आप नोट कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनती है स्मोक से, स्मोक निकलता है उससे गैस जो है एयर में पल्यूट हो जाती है, एयर में डिजोल्व हो जाती है, इससे एयर पल्यूट होती है। और किस किस को नुकसान होता है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होता है, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ अ होल। ओके, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मैंने आपको बताया कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं ना वो पानी में मिला दिए जाते हैं, फिर जो पीने का पानी होता है ना, जो भी नदी से अगर कोई भी आसपास का विलेज के लोग पानी पीते हैं या जानवर पानी पीते हैं तो वो पल्यूट हो जाता है, फिर वो लोग पी के बीमार होते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड इफ्लुएंस डिस्चार्ज इन टू रिवर्स दैट इंडस्ट्रीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो ये आप याद कर सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, केमिकल इंडस्ट्रीज हर जगह हिट करती है, केमिकल इंडस्ट्रीज, अगर कोई केमिकल बनता है तो उसमें वेस्ट भी निकलता है, वही वेस्ट पानी में जाके पल्यूट करता है। केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम डाइंग मतलब कलर जो होता है ना, कलर होता है, जिस भी इंडस्ट्री में कलर होते हैं, कपड़े कलर होते हैं, वो डाइंग इंडस्ट्रीज होती है। डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरीज एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज जो होती है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है वाटर पोल्यूशन में, ज़्यादा इफेक्ट करती है। चलो नेक्स्ट, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या है,
थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर कम फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। क्या होता है ना, थर्मल पोल्यूशन होता है, कोई भी केमिकल फैक्ट्री में कोई केमिकल बनाया गया तो उसके लिए गर्म पानी या गर्म केमिकल वो यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गर्म को ही वेस्ट कर देते हैं रिवर्स में, तो उसको क्या होता है, ठंडा करके वेस्ट करना पड़ता है जिससे वो पोल्यूशन ना क्रिएट करे। थर्मल पोल्यूशन इसलिए होता है कि वो ठंडा तो करते नहीं, वो गर्म ही वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे होता है थर्मल पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि का, मतलब आवाज का पोल्यूशन, बहुत ज्यादा शोर आना जिससे हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है नॉइज पोल्यूशन से। तो नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है और कहां के, नॉइज पोल्यूशन इज द प्रोपोगेशन ऑफ नॉइज विद हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी और एनिमल लाइफ, इट रिजल्ट इन इरिटेशन एंगर कॉज, मैंने जैसा कि कहा मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये उस पर ही इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, कॉज हियरिंग मतलब सुन, बहुत से लोग क्या होते हैं उनको सुनने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में भी हार्ट रेट में भी इंक्रीज करती है। इनका जो है हम कैसे कम कर सकते हैं पोल्यूशन, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, आप मन से भी लिख सकते हैं, ये टॉपिक जो है पोल्यूशन वाला बहुत इजी है, आप मन से भी लिख सकते हैं, और क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, यांत्रिक साधन द्वारा प्राथमिक उपचार, इनमें स्क्रीनिंग, पीसना, फ्लोक्यूलेशन और अवसाधन शामिल हैं। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय उपचार, टेरिटरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा पर्यावरण क्षरण को कैसे नियंत्रित करें, मतलब कैसे कंट्रोल करें, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना हिट हो रहा है, इतनी पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी बीमारियां बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पेड़ लगाओ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेड़ लगाओ, कम से कम पेड़ काटो। तो मेन जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ और आप मन से भी लिख सकते हो। ओके, मन से भी लिख सकते हो, जैसे कि है ना, पेड़ कम काटो और जो है इको फ्रेंडली ज्यादा रहो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ज्यादा यूज करो, पॉलीथीन कम यूज करो, और बाकी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, वनीकरण और चराई का उचित प्रबंधन, मतलब कम से कम पेड़ कटने चाहिए, कम से कम पेड़ कटने चाहिए, और ये जो जानवर वगैरह को चराया जाता है ना, जो जंगलों में ले जाके, उसका भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन द सैंड कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन, अगर आप, मैंने जैसे कि बताया, अगर आप पेड़ लगाओगे ना तो कम से कम सैंड डिग्रेडेशन होगा। क्या होता है ना, के लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, शहर में बाढ़ आ गई, क्यों आता है, सैंड डिग्रेडेशन की वजह से जो मिट्टी होती है ना वो खिसक जाती है, अगर पेड़ रहेगा ना तो मिट्टी को पकड़े रखेगा, सैंड खिसकेगी ना तो बाढ़ नहीं आएगी। प्रॉपर, वी शुड अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, हमें अधिक चराई से बचना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है ना हम ज़्यादा इधर उधर फेंक देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जंगलों में हम वेस्ट फेंक देते हैं, तो क्या होता है ना, जो प्लांट्स और जो पेड़ों को जो मिनरल्स होता है ना वो मिल नहीं पाता, फिर वो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। ओके, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को जो अपने वेस्ट मटेरियल है ना वो सही जगह से डिकम्पोज करनी चाहिए, सही जगह पर डालनी चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट को भी हिट ना पहुँचे, जो हमारे पेड़ को, जंगलों को भी हिट ना पहुँचे, पानी को भी हिट ना पहुँचे, और सब ओके रहे। ओके, चलो तो आज के चैप्टर में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बस इतना ही था, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरा कवर कर लिया है। ये 2 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, हम 38 नंबर नहीं लाने, हमें SST में पूरे के पूरे 40 नंबर लाने हैं। ओके, तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, अब सारे आ जाओ, 6 बजे आपकी आने वाली है महा मैराथन सुबह, जिसने ही नहीं देखी है कोई बात नहीं, अब आने वाली है शाम को महा मैराथन, ज्वाइन कर लो फटाफट से, वो स्ट्रीम में जरूर आना, पूरे 40 में 40 करने, तो फटाफट से आ जाओ यार उस स्ट्रीम में, और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई स्ट्रीम में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।